तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नवा फेल आदमी है, क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें तेजस्वी ने ये कहा था कि वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और उनकी कप्तानी में दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली खेल चुके हैं। इसी बयान पर पीके ने कहा कि तेजस्वी 9वीं कक्षा में फेल हो गए और जब वो क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पानी ढोते थे। तेजस्वी यादव की असली पहचान क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो लालू यादव के बेटे हैं, इसीलिए लोग उन्हें जानते हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के काम की भी आलोचना करते हुए कहा कि तेजस्वी को प्रशांत किशोर की चुनौती है कि वो जीडीपी को परिभाषित कर दे। उनका किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी और आरजेडी की राजनीति सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर चुनाव जीतना है। जीडीपी होता क्या? खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात? और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नवा फेल आदमी है, क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है, लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं, राहुल गांधी राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, उसे देश के नेता थोड़ी ना हो जाएंगे। आपके बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी बन जाएगा, आपके बाबूजी का दुकान है तो आप पढ़िए चाहे लखेरा रहिए, जाके दुकान पर बैठ जाइएगा, दुकान का मालिक हो जाइएगा, उसमें आपकी योग्यता क्या है? बहरहाल बिहार में आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फुल एक्शन मोड में हैं, जिसे लेकर वो 2 अक्टूबर को नई राजनीतिक दल बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि अगर जन सुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर वो शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।